मंदाकिनी मैम बराबर। हेलो मैम, कैसे हो आप? वेलकम वेलकम टू देवराय आर्ट विलेज। और अभी हम लोग जा रहे हैं उस पेड़ के नीचे, उम्बर के नीचे, जहाँ देवराय आर्ट विलेज की शुरुआत हुई थी। तो पहला स्टेप है वैक्स वर्क। तो जैसे ये नेचर गॉडेस बना रहे हैं, तो ये पत्थर के ऊपर ये सब वैक्स के धागों से बाल बनाए हैं नेचर गॉडेस। अभी आप जैसे ये पंचमुखी गणेश की मूर्ति, ये ब्रास की है, इसको एंटीक फिनिश दिया है। अब इसको जब बफिंग करेंगे तो ये चमकने लगेगा। तो इस तरह से ये सब हम लोग के जस्ट मोल्ड्स में से निकली हुई कलाकृतियाँ हैं। दोस्तों, वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। आज एक वन ऑफ अ काइंड जगह लेके आया हूँ मैं पंचगनी में, और इसे कहते हैं देवराय आर्ट गैलरी। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। मैं पूरी जगह पहले घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और फुल ऑफ आर्ट है। आप जब ये जगह देखोगे और मेरे साथ जब ये जगह एक्सप्लोर करोगे, तो मानोगे कि ये जगह पे एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप एक आर्ट के शौकीन है और आर्ट के स्टूडेंट है, तो ये मस्ट विजिट प्लेस बन जाता है आपका पंचगनी में। सो दोस्तों, देवराय आर्ट गैलरी, फाइनेस्ट प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पंचगनी, लेट्स गो फॉर इट। और अगर मैं शुरू करूँ ना, तो शुरू में ही आपको आर्ट की झलक दिखेगी। वहाँ पे नीचे गैलरी है जहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा, लेकिन पहले ये देखिए, हर तरफ यहाँ पे आर्ट है, हर तरफ। वहाँ पे हम गैलरी में जाएंगे ज़रूर, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो आर्ट है ना, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। हर एक चीज को कितने आर्ट के साथ बनाया गया है, यहाँ देखिए। और फाइनली हम जा रहे हैं यहाँ पे आर्ट गैलरी में। वैसे दोस्तों, आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पे नीचे जो जगह है ना, वो वर्कमैन शेड है, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें लोग बनाते हैं। वहाँ पे वो चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे जब हम अंदर जाएंगे, तो उसको मिस नहीं करना। लेकिन उसके पहले हम ये गैलरी देख लेते हैं। ये है इसका एंट्री, और यहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होती है। अगर हम प्राइसिंग भी देखें ना, तो वो देखिए, वो 6000, ये 2800, और ये 3000। लेकिन देखिए क्या खूबसूरती से बनाया हुआ है। ये देखिए, और अगर यहाँ पे हम देखें, और अगर इसकी प्राइसिंग देखें, तो ये 12000 का है। अभी तेरा रूम में सिविल वर्क तो जितना हो गया था वो हो चुका है। ये देखिए, हर तरफ यहाँ पे आर्ट है। ये है सर के रूम, ये 10000 रुपीज़, ये 7000, ये 13000। The tortoise may not win the race, an interactive board game to challenge the set patterns of thinking. दोस्तों, जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये गैलरी है ना, उतनी इंटरेस्टिंग ये छोटा सा ट्रैक है जो हमें ले जाएगा उस जगह जहाँ पे ये सारा काम होता है। ये सारा जो आर्ट है वो कहाँ पे बनता है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, ये सारे जो क्या कहते हैं इसे स्टैचूज़ है, वो कहाँ पे बनते, कैसे बनते, नीचे अपने को पता चलेगा। लेकिन पहुँचेंगे डेफिनेटली हम, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। लेकिन ये जो पूरा ट्रैक है ना, देखना, बहुत खूबसूरत है।
एक एक जगह, हर एक जगह आपको ऐसी ऐसी चीज़ देखने मिलेगी जो बहुत ही खूबसूरत है। बताता हूँ मैं आपको, बस ये कुत्ते से बच्चा। हाँ, तो सबसे पहले देखिए ये, और आप आर्ट देखिए। शिवलिंग, नीचे चलता हूँ, नीचे आपको बताता हूँ और बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आपको मिलेगी इससे पहले कि हम नीचे पहुँचेंगे। लेकिन ये ट्रैक भी बहुत अच्छा है। वैसे तो धूप है, मौसम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जिस तरफ चढ़ रहे हैं वो पूरा झाड़ों से घिरा है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैंने कुछ देखा था, हाँ वो नीचे जो मुझे आपको दिखाना था वो देखिए, वो देखिए क्या खूबसूरत है ना। यहाँ पे हर एक स्टैचू, हर एक जगह कितनी अलग फील देती है। और ये देखिए, हर एक जगह पे आर्ट है, यहाँ पे हर एक जगह पे आर्ट है। ये कुर्सी देखिए कितनी विंटेज है। और ये जो छोटा सा पॉन्ड है ना, ये मुझे कहीं ना वो कृष्णाबाई टेम्पल की याद दिलाता है। कृष्णाबाई टेम्पल में हमने कुछ ऐसा देखा था, और ये एक छोटा सा पॉन्ड है। और यहाँ ये नंदी बैल, और हमको जाना है नीचे। ये लिखा है वर्कशेड यहाँ पे। मंदाकिनी मैम बराबर, हेलो मैम, कैसे हो आप? वेलकम वेलकम टू देवराई आर्ट विलेज। और अभी हम लोग जा रहे हैं उस पेड़ के नीचे, उंबर के नीचे, जहाँ देवराई आर्ट विलेज की शुरुआत हुई थी। हमने ये जगह लिया था, बाकी कोई भी पेड़ नहीं थे, सिर्फ ये एक पेड़ था। और इसी पेड़ ने मुझे प्रेरित किया कि इसके ब्रांचेस इसकी छाव में कुछ करे। तो तब मेरी मुलाकात सुरेश सर से, जो एक आदिवासी कलाकार है वो संजीवन विद्यालय में, जहाँ पर मैं भी जाती थी, उनसे हुई। और केवल 3 कलाकार गढ़चिरौली से शुरुआत हुई यहीं पर। अब हम लोग करीब 50 लोग हैं गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ से, जो यहाँ रहते हैं और ये काम करते हैं। तो मेन यहाँ का जो वो है नया एक्सपेरिमेंटेशन, तो जैसे जो पत्थर और पीतल का फ्यूजन, ये हमारे ये कला बहुत ही प्राचीन कला है, मोहनजोदड़ो टाइम से शुरू हुई है और काफ़ी भारत के काफ़ी प्रदेशों में है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। पर आपको जो पत्थर और पीतल का फ्यूजन जो हमारा इनोवेशन है, वो आई थिंक वी वर वेरी लकी कि हम लोग को ये आइडिया आया और ये इसकी शुरुआत यहीं पर हुई। और अब एक बार कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है तो फिर मज़ा आता है ना। फिर अब हम लोग टेराकोटा एंड ब्रास फ्यूजन, सेरेमिक एंड ब्रास फ्यूजन, ये सब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आवाज़ आ रही है, ये एक्चुअली ये सब कास्टिंग के बाद निकले हुए हैं। ये हरी भी अप्रेंटिस गढ़चिरौली से आया था और अभी तो बहुत ही अच्छा मास्टर क्राफ्ट्समैन ये बोल सकते हैं, इसको खुद भी बनाता है बहुत। अभी ये कर रहा है, ये सफाई चल रही है जो मोल्ड्स में से निकले हैं, इसके बाद इसको पॉलिशिंग बफिंग सब होगा। अभी आप जैसे ये पंचमुखी गणेश की मूर्ति, ये ब्रास की है, इसको एंटीक फिनिश दिया है। अब इसको जब बफिंग करेंगे तो ये चमकने लगेगा। तो इस तरह से ये सब हम लोग के जस्ट मोल्ड्स में से निकली हुई कलाकृतियाँ हैं। ये भी आप देखेंगे तो ये भी हमारा एक्सपेरिमेंट है। ये सचमुच की ब्रांच, उसको कास्ट किया है। तो ये जो टेक्सचर है पेड़ की, इसका बार्क का वो भी आ गया है, इसके ऊपर पत्ते लगा के फिर इसको हम इसका पेड़ बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब काम वैक्स के धागे से ये विंग हुआ है, और
इस तरह से हम लोग काफ़ी जो प्रकृति से प्रेरित और अपने माइथोलॉजी कल्चर और या कुछ भी अपनी भी मॉडर्न आर्ट से भी कॉन्टेम्पररी आर्ट जिससे कि कलाकार अपनी कला में एक नई पहचान बना सके. तो जैसे देवराई रॉक ढोकरा अभी हमारे पहचान, इट्स बिकम आवर सिग्नेचर, आवर आइडेंटिटी. इट्स अंडर पेटेंट प्रोसेस एंड वी होप दैट वील सून गेट इट. ओके श्योर. सो लाइक दिस सी नाउ दिस ये जो है ये पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये सचमुच की चिड़िया है. इसकी एक लंबी पूंछ होती है सफ़ेद रिबन जैसी जब उड़ती है. तो इसकी ये किसने बनाया, ये राकेश ने बनाया. राकेश उधर है, राकेश ये तो ये पत्थर है. और जो भी आपको पीतल से दिख रहा है ये उस वैक्स से बनाया पहले, फिर इसके ऊपर मिट्टी लगा के ये पूरा फिर कास्टिंग किया है. तो ये राकेश ने बनाया हुआ है पैराडाइज फ्लाई कैचर. और राकेश हमारे पास जब आया था तो अप्रेंटिस जैसे और आप देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं. तो पहला स्टेप है वैक्स वर्क. तो जैसे ये नेचर गॉडेस बना रहे हैं तो ये पत्थर के ऊपर ये सब वैक्स के धागों से बाल बनाए हैं नेचर गॉडेस. इसी तरह यहाँ पर है दक्षिणमूर्ति शिवा, ये भी अभी वैक्स, ये काला काला जो आपको दिख रहा है ये वैक्स है. ये बाद में जो भी वैक्स है वो पीतल का बन जाएगा. पर यहाँ पर ये जो पेड़ दिख रहा है ये भी पीतल का, ये पेड़ जल जाएगा और इसकी जगह मोल्टन ब्रास जाकर ये पीतल का बन जाएगा. तो ये दक्षिणमूर्ति शिवा ये संतोष जी ने बनाया है, ये छत्तीसगढ़ के मास्टर क्राफ्ट्समैन है. अभी रोमनाथ ये भी ये छत्तीसगढ़ से आए हुए. और ये कृष्णमूर्ति तो ये पहले, जैसे ये तो फिनिश प्रोडक्ट है तो ये पहले वैक्स से बनी थी. इसके वैक्स वर्क अभी आपको मैं उधर भी दिखाती हूँ, वैक्स वर्क जो हो रहा है. ये देखिए, ये साईनाथ और विनय वैक्स वर्क कर रहे हैं. ये गढ़चिरौली से आए हुए. अभी ये छोटा सा पत्थर है और ये जो काला काला है ये वैक्स है, ये जो पीतल बन जाएगा. जैसे इस ये पत्थर दिख रहे हैं आप, इसके ऊपर ये सब डिज़ाइन का काम ऐसे धागे से हुआ था, वैक्स के धागे से इसके ऊपर. फिर इसके ऊपर एक फर्स्ट लेयर ऑफ क्ले, फिर सेकेंड लेयर ऑफ क्ले. तो इस तरह से ये, अब हम लोग उधर चल के देखते हैं उधर क्या हो रहा है. तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मिट्टी छान रही हैं. ये पहला लेयर जो मोल्ड का है, वैक्स वर्क के बाद पहला लेयर मोल्ड का. और आपको आश्चर्य होगा कि हमारी मिट्टी गढ़चिरौली से आती है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ की मिट्टी से कोशिश की तो वो क्रैक होती थी. तो ये इतनी फाइन मिट्टी, ये जब हम लोग वैक्स के मूर्ति के ऊपर, वैक्स का काम के ऊपर लगाते हैं तो उसके छाप उसमें आ जाता है. तो फाइन जो भी हम लोगों ने वैक्स में बनाया है वो पहले लेयर सांचे में आ जाता है. इस जैसे ये यहाँ पर अभी रमली ये लगा रही है और ये पहली लेयर लग चुका है. और यहाँ पर ये सेकेंड लेयर, ये सेकेंड लेयर मिट्टी में हम लोग कोंडा वो इसका राइस हस्क वो मिलाते हैं जिससे उसमें मजबूती आ जाती है मोल्ड में. ये इनलेट्स बना रहे हैं और ये सारे इनलेट्स फिर जोड़ के एक ऊपर एक कप जैसा होगा जिसमें हम लोग कास्टिंग के बाद पिघला हुआ पीतल पोर करेंगे. ओके. और ये आप ये इसमें ये सेकंड लेयर में मिलाते हैं मोल्ड की सेकंड लेयर में, जिससे कि उसमें स्ट्रेंथ आता है जो आउटर लेयर.
अभी आपको सेकंड इस तरह का दिखता है फिर ये मोल्ड। अब इसमें दोनों लेयर आ गए, ये दूसरा लेयर और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हम लोग पीतल, पिघला हुआ पीतल डालेंगे कास्टिंग के बाद, फायरिंग के बाद। अभी ये सूखेगा। ओके ये सब अभी कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं जैसा वेल्डिंग थोड़ा बहुत, अभी ये मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें परफेक्ट आए, कभी कहीं कुछ छोटा छेद या कुछ जोड़ना हो तो ये वेल्डिंग का काम हो रहा है इधर। सुरेश सर इन्हीं के साथ मैंने शुरुआत की थी देवराई आर्ट विलेज की, ये गढ़चिरौली के कलाकार हैं, यहाँ पढ़ाते थे स्कूल में जहाँ मेरी इनसे मुलाकात हुई, और नीलेश जो अभी वेल्डिंग मास्टर हो गया है और बाकी के काम भी। तो हम लोग यहाँ पर ट्राइबल्स लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और इंटर्न्स फ्रॉम डिज़ाइन स्कूल्स और ये, और जो भी कोई सीखना चाहता है उसको वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो ये आयरन क्राफ्ट के शेड में यहाँ पर देरीलाल ये पोयम, ये छत्तीसगढ़ के मास्टर आयरन क्राफ्ट्समैन है और इनकी कला के अलग ही विशेषता है। जो हम लोगों ने पहले मोम से बनाया हुआ काम ढोकरा आर्ट देखा, आयरन क्राफ्ट है जैसे ये बंदर। अभी इमेजिन करिए लोहा जब गर्म होता है, गर्म लोहे को ठोक कर उसको आकार देना उसका एक अलग ही चैलेंज है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लोहे का, अभी तो ये हम लोग का एक ज़रूरत है इसलिए कॉपर के लोटस बना रहे एक म्यूरल के लिए, और ये अपने टूल्स भी खुद ही बनाते हैं लोहे को ठोक के। इसका हम लोग वर्कशॉप्स भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके प्रैक्टिस में जेनरेशंस, ये ऐसा नहीं है कि आप एक दो दिन करके सीख जाए। वैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पीछे, ये एक्चुअली तुम्बा आर्ट है। तुम्बा आर्ट ये संजय ने कोविड से परेशान होके कोविड मॉन्स्टर बनाए, धीरे उसका लाइट ऑन कर देना। तो तुम ये इन्होंने हमारे टूटे हुए तुम्बा से ये कोविड मॉन्स्टर बनाया है। तो अभी वैसे ये तुम्बा आर्ट है, ये जैसे हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, ये दूधी उस टाइप का फल है जो सूखने के बाद इसकी छाल कड़क हो जाती है और उसको फिर जला कर ये डिज़ाइन बनाया और छेद वेद की है। और इसके काम करते हैं संजय, ये तुम्बा मॉन्स्टर उन्होंने ही बनाया है, सॉरी कोविड मॉन्स्टर। और अभी आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है फ्रेडी मर्क्यूरी, फ्रेडी मर्क्यूरी रॉक स्टार। तो फ्रेडी मर्क्यूरी ने सेंट पीटर स्कूल जो पंचगनी का स्कूल है वहाँ 7 साल बिताए, तो ये लेजेंडरी रॉक स्टार। इनके लिए हमारा ये विशेष, क्योंकि ये हमारे पंचगनी में बड़े हुए हैं तो उनके उसमें हम लोगों ने ये फ्रेडी मर्क्यूरी बनाई है। तो आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल आइडियाज़, मॉडर्न आइडियाज़, ये सबका देवराई आर्ट विलेज में एक तरह से खिचड़ी बनाते हैं हम और एक अपना ही नया कुछ तैयार करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे।